मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विपक्ष। मणिपुर में मोदी को घेरने की कोशिश जारी, विपक्ष मणिपुर पर चाहता है जवाब। मणिपुर में हुई दर्दनाक हिंसा के बाद विपक्ष लगातार न्याय की मांग कर रहा है। विपक्ष ने कहा, मामला बेहद संवेदनशील है, मोदी को सदन में बोलना ही होगा, लोगों का भरोसा मोदी सरकार से टूट रहा है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर मानसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन में बयान और चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने का प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा था। हर रोज सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। चलिए आपको बताते हैं विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते हैं। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यह विफल रही। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा, हम जानते हैं संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी के बोलने का इंतजार कर रहा है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वही पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, लोगों का कॉन्फिडेंस पीएम मोदी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पिछले टर्म में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन देश की जनता ने सबक सिखा दिया। आपको बता दें, किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की समर्थन की जरूरत होती है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक अहम कदम माना जाता है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और 51% सांसद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, तो यह माना जाएगा कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और उसे इस्तीफा देना होगा। हालांकि जरूरी नहीं है सरकार को गिराने की वजह से ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए। कई बार राष्ट्रीय मुद्दे में चर्चा के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपको बता दें, लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, एनडीए के पास 333 सांसद हैं, वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया सांसद के पास 93 सांसद हैं। अब देखना होगा कितनी पक्ष और कितने विपक्ष में समर्थन आता है। मणिपुर में हिंसा चालू है, इसे लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ चर्चा को तैयार है, मगर विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। ऐसे में विपक्ष